हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे ढाबे के स्टाइल में चना फ्राई। सबसे पहले हम एक बाउल या हंडी ले लेंगे, फिर उसमें हम एक अंडा फोड़ लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, दो चम्मच सोया सॉस डालेंगे, एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस और दो चम्मच सेजवान सॉस। फिर इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, तीन चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मैदा, एक चम्मच राइस आटा, आधा नींबू का जूस और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें यहाँ थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाला है ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा आ सके। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें उबला हुआ काबुली चना डालेंगे। मैंने चने को अच्छे से धोकर उसे रात भर पानी में भिगो के रख दिया था और फिर सुबह उसमें हल्का सा नमक डालकर उसे उबाल लिया। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे तेल में डीप फ्राई करेंगे। हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होके रेडी हो चुका है। इसे अब हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम लहसुन डालेंगे। लहसुन को हम छिलके के साथ ही फ्राई कर लेंगे। इसे हम ढक्कन से ढक देंगे ताकि लहसुन जो है उड़कर बाहर ना आए। लहसुन भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हमारा ढाबा स्टाइल चना फ्राई रेडी है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।